बॉलीवुड में फैशन आइकॉन बन चुकी अभिनेत्री सोनम कपूर ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक टॉक शो के दौरान सोनम ने खुद के साथ शोषण की बात कबूली है। शो के दौरान सोनम कपूर ने कहा कि जब वह यंगस्टर थी तब उनका भी शोषण हुआ था। इस खुलासे को सुनने के बाद पास बैठी विद्या बालन, अनुष्का शर्मा, राधिका आप्टे और आलिया भट्ट सन रह गई। दरअसल टॉक शो द बॉलीवुड राउंड टेबल 2016 में इन अभिनेत्रियों को महिलाओं पर होने वाले शोषण पर बातचीत के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम के दौरान सेक्सुअल अब्यूज पर बातें हो रही थी। उसी दौरान सोनम कपूर इमोशनल हो गई और अब अपने बचपन में घटी घटना को बताने लगी। सोनम ने बताया कि मुझे पता है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ था और ये बहुत ही शॉकिंग था। हालांकि सोनम ने यह नहीं बताया कि यह हरकत उनके साथ किसने की थी। आपको बता दें कि 2007 में डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की फिल्म सांवरिया से सोनम ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और आखिरी बार डायरेक्टर राम माधवानी की फिल्म नीरजा में वह नजर आई थी। सोनम कपूर के इस खुलासे ने साबित कर दिया है कि आज के दौर में जहां महिलाओं के हक की बात की जाती है, वहां घर हो या बाहर महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण होता रहता है। देखते रहिए डीबी लाइव।